हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। द प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बाद के फ्यूज़न के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी। डाइप्लॉयड जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई थी, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के बाद ये जो है एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा, और इसी प्रोसेस को जो है हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसी प्रोसेस को हम ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं। बोथ एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस हैव द सेम टारगेट टू डेवलप ए न्यू इंडिविजुअल। दोनों ही जो टेक्निक्स हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस, दोनों का ही जो टारगेट है वो सेम टारगेट है, यानी कि एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करना, एक नई इंडिविजुअल यानी कि एक नई ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है, जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद जो जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जायगोट बनने के बाद वो उसके अंदर जो है सेल डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस जो है हमारी वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहता है, वो रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा जो सेल डिफरेंशिएशन है उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स का जो नंबर है उनको इंक्रीज कर देता है सेल डिवीजन। यानी कि जैसे कि स्टार्टिंग में अगर दो सेल हैं तो वो डिवाइड होने के बाद दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ, आठ से सोलह। इस तरीके से जो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिवीज़न के बाद इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सेल डिफरेंशिएशन है हमारा, उसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ सेल्स आते हैं जो कि कुछ निश्चित मॉडिफिकेशंस यानी कि चेंज उनके अंदर होते हैं, जिससे कि वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होती हैं उनको फॉर्म करते हैं वहाँ पर, और जो टिश्यू हैं हमारे वो जो है आगे चलकर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स जो हैं हमारे एक न्यू ऑर्गेनिज्म की जो है फॉर्मेशन वो करते हैं वहाँ पर। जैसे कि अगर हमारे पास 20 सेल्स हैं, अगर हम उनको फोर इक्वल पार्ट्स में, ग्रुप्स में हाँ डिवाइड कर दे, तो एक ग्रुप के अंदर जो है वो 5 सेल्स आ जाएंगे। यानी कि हर एक जो ग्रुप है वो उसके अंदर जो सर्टेन मॉडिफिकेशंस होंगी, और जो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, और हर एक जो ग्रुप है उस टिश्यू की फॉर्मेशन होने के बाद एज ए ऑर्गन डेवलप होगा, और ऑर्गन जो है एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस विच इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। एनिमल्स जो जानवर जो हैं वो दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करे गए हैं, यानी कि एक जो है हमारे विविपेरस और दूसरे जो है हमारे विविपेरस और ओविपेरस के अंदर जो है डिवाइड करे गए हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो कि जाइगोट की डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, कि वो जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उसके अंदर हो रही है या फिर बाहर हो रही है, इस बेस के ऊपर जो है एनिमल्स जो हैं वो कैटेगराइज्ड किए गए हैं। तो आगे चलते हैं, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वो है ओविपेरस,
ओविपेरस जो एनिमल है, दीज एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और इनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये जो एनिमल है हमारे, ये जो जानवर हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग या फिर इनफर्टिलाइज्ड जो है एग वो ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जो रेप्टाइल्स हैं, यानी कि जो सरीसृप हैं, यानी कि जो ज़मीन पर रेंग कर चलने वाले जो जीव हैं, जैसे कि हमारे जो स्नेक है, सांप है, बर्ड, बर्ड ले एग, फर्टिलाइज्ड एग इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। ऐसे जो जीव हैं जैसे कि सांप हो गए, पक्षी हो गए, ये जो है फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं इन्हें सेफ प्लेस इन दी एनवायरनमेंट, यानी कि इनके आसपास जो एनवायरनमेंट मौजूद है वहाँ पर किसी सुरक्षित जगह पर ये एग ले करते हैं फर्टिलाइज्ड। द एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल। जो एग हैं वो कवर्ड होते हैं हार्ड कैल्केरियस, यानी कि कैल्शियम से बने हुए एक कवच के अंदर वो कवर्ड होते हैं, वो बंद होते हैं। आफ्टर पासिंग इंक्यूबेशन पीरियड द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग्स। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के जो एग हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग, किसी का कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको, उस इंक्यूबेशन पीरियड को पास करने के बाद जो यंग वंस हैं, जो न्यू इंडिविजुअल है, वो हैच आउट यानी कि अंडे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है वीवीपेरस, यानी कि इन दीज एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीज, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर जो है मेजोरिटी में मैमल्स आते हैं और इन्हीं के अंदर जो है हमारे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं मैमल्स के अंदर। द जाइगोट डेवलप्स इंटू एन यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जाइगोट है हमारा, जो एक यंग वन के अंदर डेवलप होगा फीमेल बॉडी के, फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो है जाइगोट एक इन न्यू यंग वन में, यानी कि न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि अच्छी, यानी कि एक सर्टेन, यानी कि एक निश्चित जो ग्रोथ की जो स्टेज है उसको प्राप्त कर लेने के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो यंग वंस है, जो न्यू इंडिविजुअल हैं, वो डिलीवर्ड, बाहर बाहर डिलीवर्ड हो जाते हैं, जो हमारे जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से बाहर जो है वो आ जाते हैं। तो इनमें और ऊपर जो हमारी कैटेगरी है ओविपेरस और वीवीपेरस में जो डिफरेंस है वो ये है कि ओविपेरस जो एनिमल्स हैं वो एग ले करते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं, वो एग ले करते हैं जो है हमारे वीवीपेरस एनिमल है। और जो हमारे जो वीवीपेरस है, यहाँ पर जो ओवीपेरस थे वो तो हमारे एग ले करेंगे, और जो वीवीपेरस एनिमल है ये जो है हमारे वो डायरेक्ट यंग वंस को यंग वंस को डिलीवर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एक्ले है वो वहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि फीमेल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वहाँ पर जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड होती है, प्रॉपर वार्म, प्रॉपर टेम्परेचर, जो केमिकल कंडीशंस वहाँ पर प्रॉपर होती हैं, और जो प्रोटेक्शन की वहाँ बॉडी की वजह से जो मिलती है, इसी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से जो है जो सर्वाइवल के चांस है न्यू इंडिविजुअल के वो बढ़ जाते हैं इन वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट जो होती है इंडिविजुअल की वो सारी की सारी फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, अब हम हमने पहले अब तक तो जो जो है एनिमल्स के अंदर बात करी थी कि एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, अब बात करते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसे होती है। द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन साइड द ओव्यूल। जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर उसकी जो है फॉर्मेशन होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स
ऑफ द फ्लावर वीदर एंड फॉल ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद जो है, जो सेपल और पेटल, जो स्टैमन हैं, जो पार्ट हैं फ्लावर के, वो झड़ जाते हैं, सूखने के बाद वो झड़ जाते हैं। द पिस्टिल रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, जो पिस्टिल है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं वो अटैच रह जाते हैं प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। जो जाइगोट है वो तो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी कि उसकी फॉर्मेशन करेगा सीड की। द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, और जो हमारी ओवरी है वो एक फ्रूट की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम एज अ फ्रूट देखते हैं। विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट के अंदर जो ईडेबल पार्ट होता है, जो गुदा होता है, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। ये जो है प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, जो भी उसके अंदर जो सीड हमारा डेवलप हो रहा है ओव्यूल के अंदर, यानी कि ओव्यूल जो हमारा सीड डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन जो है दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कौन से ऐसे वो हैं, कौन से पार्ट हैं जो विदर ऑफ हो जाते हैं, यानी कि जो झड़ जाते हैं, जो फॉल ऑफ हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक मैच्योर फ्लावर का डायग्राम है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो पेटल और जो सेपल हैं, यानी कि कोरोला और कैलिक्स है, और जो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जैसे कि स्टैमन और एंथर, ये सभी जो हैं पार्ट जो हैं फ्लावर के, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं सूखने के बाद, वो गिर जाते हैं। जो सिर्फ एक ही जो पार्ट है वो अटैच रहता है वो है हमारा पिस्टिल, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइलो और ओवरी। इसके अंदर जो तीन स्ट्रक्चर आते हैं, और नीचे जाकर जो ओवरी है उसी के अंदर हमारे जो है ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे कि यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही जो है हमारा वो एग होता है, एग कंसिस्ट करती है ओव्यूल, और वहीं पर जो है पोलियम ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स को ले जाया जाता है, और वहीं पर जो है उनको छोड़ दिया जाता है ओव्यूल्स के पास, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।